अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन सुल्ताना। तो गाइस, आज मैं बना रही हूँ चिकन का कोरमा, जो हैदराबादी फेमस है। तो आप ज़रूर कौन से भी ओकेशन पे इसे बनाइए, खाइए और मेरे मेथड से आप ज़रूर बनाइए। और इतना टेस्टी लजीज होता है, बेहतरीन डिश बनकर ये तैयार होती है। मेरे मेथड से आप बनाइए और इसकी कंसिस्टेंसी आप चाहे तो गाढ़ा भी रख सकते हैं, पर आप चाहे तो मैं नान में इस्तेमाल कर रही हूँ और बघारे खाने में, तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा इसे पतला रखा है। आप चाहे तो इसे गाढ़ा भी कर बना सकते हैं। तो देखिए तेल कितना अच्छा इसके ऊपर आ गया है और मैं इसे तरी भी नहीं दी हूँ, आप मेरे मेथड से बनाइए। चलिए हम इसके इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने पाव, ये है 50 ग्राम खोपरा, जो सूखा खोपरा मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है धीमी आँच पर। और ये है खसखस, जो 25 ग्राम मैंने ली हूँ, इससे क्या होता है गाढ़ापन मिलता है डिश को। और ये है 50 ग्राम मूँगफली, इसे भी मैंने अच्छे से रोस्ट करना है। आप इसको अच्छे से रोस्ट करना है, इसके छिलके भी उतारना है। आप इसे ब्राउन करके अच्छे से भुनेंगे, रोस्ट करेंगे, तो इससे आपको करी का कलर अच्छा आएगा। और ये है एक मुट्ठी काजू बादाम, यानी 50 ग्राम काजू बादाम है, साबित काजू है और बादाम है। तो ये है प्याज, दो बड़े प्याज। आप प्याज कम लीजिए, जब भी आप कोरमा बनाते हैं तो प्याज कम लीजिए। और मैं इसमें थोड़े से तेल में इसे भून रही हूँ, फ्राई नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा भून रही हूँ, इसमें स्मोकी फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा नमक डालिए ताकि ये जले ना, अपने ही मॉइस्चर में ये अच्छे से रोस्ट हो जाती हैं। तो देखिए इस तरह से हमें कंटिन्यू इसे हिला हिला कर, अच्छे से चला चला कर भुनना है, इसे फ्राई करना नहीं है, भुनना है। ये है मेन इसका सीक्रेट्स, ये खोरमे का सीक्रेट्स यही है। आप ज़रूर इस तरह से बनाइए तो देखिए कितनी अच्छी डिश बनकर तैयार होती है। ये मेरे नानी और दादी माँ का नुस्खा है, ये ट्रिक से आप बनाइए तो बेहतरीन खोरमा स्मोकी फ्लेवर के साथ बनकर रेडी होता है और खाने में तो लाजवाब होता है, इसके टेस्ट के क्या कहने। तो देखिए ये भुन चुका है, इन सारे मसालों को हम अच्छे से बारीक पेस्ट कर लेंगे और मूंगफली का छिलका भी हम अच्छे से उतार लेंगे इसका। तो अब ये ठंडा हो चुका है, इसके मूंगफली के मैं सारे छिलके उतार लूँगी। तो देखिए ये महीन पेस्ट होने वाला है, तो इसके अंदर मैं ग्राइंड कर अब इसमें मैं डाल रही हूँ दो दालचीनी के टुकड़े एक एक इंच के और 4 से 5 लौंग, दो हरी इलायची, 2 से 4 लीजिए आप हरी इलायची, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर होता है जब मसालों में डालकर हम पीसेंगे, और 1/4 स्पून शाही ज़ीरा। अब इसे अच्छे से हम ग्राइंड फाइन पेस्ट कर लेंगे, ग्राइंड कर फाइन पेस्ट बना लें और इतना अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर, आप ज़रूर इस तरह से बनाइए, ये भी एक ट्रिक है। तो अब चलिए, हम ये चिकन ली हूँ मैं 1 kg, तो इसे मैंने अच्छे से 5 से 6 पानी में वॉश कर लिया है। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून मिर्च डाल रही हूँ, और इसे कलर आने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का भी मैंने 1 टीस्पून इस्तेमाल किया है इसमें, और 1/2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी। देखिए, और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून डालिए आप, एकदम फ्रेश लीजिए आप अदरक लहसुन, जब भी आप कोरमा बना रहे हैं या बघारा खाना तो आप एकदम फ्रेश अदरक लहसुन लीजिए, इससे फ्लेवर अच्छा आता है और जायका ज़्यादा बढ़ जाता है इसका। तो इन इंग्रेडिएंट्स को हम मिलाकर 10 मिनट तक रख देंगे, मैरिनेट कर लीजिए अच्छे से ताकि सारा चिकन में ये मसाले अब्सॉर्ब हो जाएं। तो देखिए इस तरह से आपको हाथ की सहायता से मिक्स करना है। अब इसे हम 10 मिनट रख देंगे, उसके बाद में हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं, इसमें मैं 250 ग्राम दही डाल रही हूँ, यानी 1/4 किलो दही। ये एकदम खट्टा दही है, कोरमे के लिए खट्टा दही इस्तेमाल होता है। तो देखिए इस तरह से हमें इसे भी मिक्स कर 1/2 घंटे तक रख देना है, और इतना लजीज चिकन बनकर रेडी होगा, इसमें कोई फीकापन नहीं रहेगा, बस मसालों का जायका इसमें ये खींच लेगा अंदर अपने, तो ये बहुत टेस्टी बनकर रेडी होगा। जब इसे हम पकाएंगे तो ये फीका नहीं रहेगा, एकदम मसालेदार चिकन रहेगा। आप इसे रोटियों में या नान के साथ लीजिए, या बघारे खाने के साथ भी आप ले सकती हैं। तो देखिए अब 1/2 घंटा हो चुका है, तो मैं एक बर्तन ले रही हूँ बड़ा सा चौड़ा वाला, और इसमें मैं
200 ग्राम ऑयल डाल रही हूँ। तेल ज़रा ज़्यादा लीजिए आप इसके अंदर, कुकिंग ऑयल ज़्यादा लीजिए। ज़्यादा मात्रा में इसलिए लेना है क्योंकि ईद का मौका है तो बहुत अच्छा लगेगा ये। और कौरमे में आपको अच्छी तेल की तरी आना है तो आप पहले बार में ही तेल अच्छा लेना है। अब इसमें मैं थोड़ा सा हल्का गर्म करी हूँ ऑयल। इसमें मैं एक दालचीनी का टुकड़ा डाल रही हूँ बड़ा सा, और 4 से 5 लौंग, 2 इलायची और थोड़ा सा शाही ज़ीरा एक चुटकी, ताकि इसमें गोश्त में भी अच्छे से मसालों की खुशबू बरकरार रहे। तो इस तरह से हम थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छे से चला लेंगे। देखिए थोड़ा सा आपको इसे फ्राई होने देना है, ज़्यादा नहीं, ताकि इसका फ्लेवर गोश्त में अच्छे से आ जाए। अब हम इसमें गोश्त छोड़ देते हैं और इसे थोड़ा सा हम भून लेते हैं। तो देखिए इसे चला लेना है सारा मसालों के साथ, इसमें उंडेल दीजिए आप। अब इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। खुला बर्तन आप लोगों को मैं बता रही हूँ, अच्छे से भुने भी जाएगा और आपको अच्छे से दिखाई भी देगा। तो देखिए अच्छे से फ्राई होने लगा है। अब इसमें हम जो पिसा हुआ ग्रैंड कलावा मसाला है वो हम इसमें डाल देंगे। देखिए जो फाइन पेस्ट हमने बनाया था मसालों का, अब इसमें हम ऐड कर देंगे। तो इतना आसान है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। अब इसे हम चलाते रहेंगे, नीचे ना बैठे आप चलाते रहिए थोड़ी थोड़ी देर में। आप ढक कर भी इसे रख सकते हैं 2 से 3 मिनट, और इसके बाद में आप इसे चला सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको भुनना है मसालों को अच्छे से। अगर आप भुनेंगे तो इसकी कच्ची स्मेल चली जाएगी और कौरमे की स्मेल अच्छी सी इसमें महकना शुरू हो जाएगी। मसालों की महक अच्छी होती है कच्ची स्मेल जाने के, आपको पता चल जाएगा कच्ची स्मेल और पक्की स्मेल क्या होती है। आप भूनते रहिए, देखिए एक जगह होने लगे हैं और तेल छोड़ने लगा है मसाला। तो अब इसे ढककर हम 2 से 3 मिनट, और जब तक मैं ये आलू छील कर कट कर लेंगे। ये मैंने इसमें, बच्चों को बहुत पसंद होता है तो मैंने इसमें आधा किलो आलू लिया है, 1/2 kg। इसे अच्छे से हम इसके छिलके उतार लेंगे और इसे हम बड़े बड़े पीसेस में, आपकी आप बड़े बड़े पीसेस रखिए क्योंकि ये फ्राई होने के बाद घुल जाते हैं तो ये दिखाई नहीं देगा। तो आप बड़ा बड़ा रखिए पीसेस, कौरमे में बड़ा पीसेस अच्छा लगता है बच्चों को। तो देखिए हमारा मसाला भी रेडी हो रहा है। अभी मैं इसे छोटे चूल्हे पर रखते हैं और इस इधर हम थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे 50 ग्राम, और इसमें ये आलू फ्राई करेंगे। तेल को ज़रा गर्म होने दीजिए अच्छा सा। तो तेल गर्म हो रहा है, अब हम इस आलू को पानी से अच्छे से निचोड़ लेकर, निथार कर इसमें हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए अच्छे से ड्राई होने के बाद इसे फ्राई कीजिए, वरना चींटी ऊपर उछल सकते हैं। तो इसे अच्छे से ब्राउन होने तक आप फ्राई कीजिए। इसके ऊपर आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए ताकि ये जल्दी फ्राई हो जाए। अच्छा सा ब्राउन फ्राई करना है इसे। देखिए ये ब्राउन होने लगा है, थोड़ा सा नमक मैंने इसमें ऐड किया है एक चुटकी। इस तरह से आपको फ्राई करना है। साइड में हम मसाले को भी चेक करते रहेंगे, मसाला भी हमारा पक रहा है देखिए। और ये सारे आलू जो हमने फ्राई करे हैं इसमें ऐड कर देंगे हम मसालों में गोश्त के साथ, ये भी और अच्छे से पक जाएंगे। थोड़ी देर और भुनना है हमें इसे मसालों के साथ, और आलू भी अच्छे से गल जाएंगे। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आप आलू को जल्दी बनाना है पकाना है तो आप थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए, उसके बाद आपकी रेसिपी जो भी है आप डिश की है उसमें आप ऐड कीजिए। तो ये मैं चीरा थोड़ा सा कट लगा रही हूँ, चीरना नहीं है वरना खार बहुत हो जाएगी। खाली आपको हरी मिर्चों का थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा लगता है कौरमे में तो आप कट लगा कर डालिए। और ये है हरा मसाला यानी हरा धनिया और पुदीना, बारीक मैंने कट कर लिया है और इसे भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसमें हम पानी डालेंगे, आप आपकी ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी ले सकते हैं, चाहे तो 2 ग्लास चाहे तो 1 ग्लास। आपको गाढ़ा कौरमा पसंद है तो आप 1 लीजिए, अगर आपको
लिक्विड ज़्यादा पसंद है तो आप दो ग्लास डालिए। मैं दो ग्लास पानी ऐड की हूँ। तो देखिए इसमें नमक भी हम चेक कर लेंगे, तो नमक भी मैंने मिलाया है इसमें, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग मिलाइए। मैं 2 टेबल स्पून नमक इसमें डाल चुकी हूँ। और ये है 4 नींबू का खटास, छोटे छोटे 4 नींबू है। अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 1 या 2 ले सकते हैं, क्योंकि मैंने खट्टा दही इस्तेमाल किया है तो मैं छोटे छोटे नींबू 4 ली हूँ। तो अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए अभी से तेल इसमें इतना अच्छा आ गया है, तेल की तरी। अब ये पकने के बाद और तरी आ जाएगी इसमें, तो इसे हम 5 से 10 मिनट तक अच्छे पकने दीजिए हाई फ्लेम पे। तो देखिए पकना शुरू हो गया है, आपको 5 मिनट हाई फ्लेम पर बनाना है, 5 मिनट इसे स्लो फ्लेम पे दम दे देना है। तो लगभग इसे 10 मिनट हमें पकाना है। तो गाइज जिसे भी ये मेरी डिश पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, गुड कमेंट्स कीजिए। और जिस किसी भी जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। तो गाइज आपसे मुझे बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आ रहे हैं और मुझे बेहद खुशी हो रही है व्यूवर्स आप सबके सपोर्ट से। तो प्लीज़ इस तरह से मेरी मदद कीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। तो और मैं आपको अच्छे से सारे डिशेस मैं दूंगी इंशाल्लाह। तो देखिए कितना अच्छा तरीदार हमारा कोरमा तैयार हो गया है, मैंने 5 मिनट इसे स्लो फ्लेम पे दम दिया है। तो गाइस चलती हूँ, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़। Thank you.